वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बाड़मेर में भी 142वीं वाहिनी के परिसर में योगाभ्यास किया गया, जिसमें वाहिनी के अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस दौरान कमांडेंट राजपाल सिंह ने योगाभ्यास के फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि इसके माध्यम से सामंजस्य और शांति प्राप्ति की जा सकती है। उन्होंने कहा कि योगाभ्यास प्रार्थना के मनोभाव के साथ रहना चाहिए, ऐसा करने से अधिकाधिक लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित कार्मिकों ने योग और शांति पाठ के साथ शांति और भाईचारे के साथ सबके खुशहाली के लिए सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया का संकल्प लिया। योगाभ्यास के साथ सीमा 142वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने परिसर में पौधरोपण भी किया। जून 2021 को गैलेंट 142 सीमा सुरक्षा बल परिसर में विश्व योग दिवस के उपलक्ष में हम यहां पे एकत्रित हुए हैं और इसमें पतंजलि से प्रशिक्षकों को बुला करके सीमा प्रहरियों के परिवार के सदस्य एवं स्थानीय आवासियों को योग के द्वारा योग का जीवन में महत्व और योग के द्वारा कोरोना महामारी से कैसे बचा जा सकता है के लिए यहाँ पे एक अच्छा कार्यक्रम हमने किया है। और साथ ही इस क्रिया को बढ़ाते हुए योग के लिए जिस तरह से सांसों पे नियंत्रण की जरूरत है और सांसों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, तो आज इस योग के साथ साथ हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम आपके बीच कर रहे हैं।